हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरमनदीप सिंह। आपने देखना शुरू कर दिया है इजी इलेक्ट्रॉनिक फॉर यू। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रडार क्या होता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होती है, एनिमेशन के साथ हिंदी भाषा में पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट हो जाए। जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है, जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो जीत जाता है। चलिए इंट्रोडक्शन के साथ, रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, मतलब रेडियो सिग्नल्स के द्वारा हम कोई भी टारगेट को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्शन मींस वेदर टारगेट इज प्रेजेंट और नॉट, मतलब टारगेट है या नहीं उसको डिटेक्ट करना, ऐसा डिवाइस जो यह करता है रेडियो सिग्नल के द्वारा, उसे हम रडार कहते हैं। रडार इलेक्ट्रोमैग्नेट टिक वेव्स के ऊपर बेस्ड है, जो काम क्या करता है कि रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड स्टडी द इको सिग्नल है जो टारगेट से टकराकर वापस आता है। ठीक है, बस इसको स्टडी करता है। टारगेट स्टेशनरी भी हो सकता है और मूवेबल, मतलब रुका हुआ भी हो सकता है और मूव भी कर रहा हो सकता है। रेंजिंग क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन रडार एंड टारगेट, टारगेट और रडार के बीच में क्या कितना डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, रेंजिंग। ये देखिए, ये शिप्स हैं, इसके ऊपर रडार लगे होते हैं, कई कई बिल्डिंगों के ऊपर, मतलब हम देखते हैं कि एयरपोर्ट्स पे रडार लगे होते हैं। ठीक है, ये चेक करना कि आसपास क्या माहौल है, हवा में टारगेट तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं है। ये देखिए, मिलिट्री में इसकी बहुत एप्लीकेशन है, ये मिलिट्री टैंक के ऊपर लगी हुई है रडार, रडार का एंटीना देख सकते हैं आप। चलिए अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं कि किस वर्किंग प्रिंसिपल पर ये काम करता है। देखिए, रडार के पास ट्रांसमीटर भी होता है, रिसीवर भी होता है। रडार में दोनों चीज़ें होती हैं, पहले ट्रांसमीटर के द्वारा ये सिग्नल भेजता है टारगेट की ओर, ये सिग्नल गया टारगेट की ओर, लेकिन फिर टारगेट से टकरा के सिग्नल वापस आता है, जिसे हम इको सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, इको सिग्नल वापस आया और यही एंटीना रडार पर ही लगा होता है, एंटीना ने रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद फिर रडार में एनालिसिस होता है कि कितने टाइम के लिए सिग्नल गया और कितना इसका डिस्टेंस हो सकता है, इन सब चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। मैं आपको अगली स्लाइड में रेंज बताऊंगा कि कैसे हम पता करते हैं कि कितनी दूरी पर है कोई भी टारगेट। ये देखिए, एयरपोर्ट पर हम देख सकते हैं कि कोई भी एयरप्लेन है, पहले सिग्नल हम यहाँ रडार से भेजते हैं और फिर वापस आता है इनकमिंग सिग्नल, पहले हम भेजते हैं फिर इनकमिंग सिग्नल वापस आता है, फिर उसे रडार डिस्प्ले में चेक करते हैं, इसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, कि टारगेट मूवेबल है या कितनी रेंज है, कितनी स्पीड से आ रहा है, ये सब। ठीक है, अब देखिए रेंज मैंने आपको बताई, जो डिस्टेंस होता है रडार और टारगेट के बीच में उसे हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, देखिए हमें पता है कि रडार ट्रांसमिट करती है सिग्नल टारगेट की ओर, और टारगेट की तरफ से फिर इको सिग्नल आता है। इको सिग्नल किस स्पीड से आता है, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से आता है। तो जितना भी टाइम लगता है सिग्नल को आने में और जाने में फ्रॉम रडार टू टारगेट बैक, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए एक एप्लीकेशन, जैसे कि पुलिस की कोई भी वैन है, ठीक है, उसमें रडार गन लगी हुई है, यह चेक करने के लिए कि कोई गाड़ी की स्पीड कितनी है, ये चेक करने के लिए। देखिए, यहाँ से पहले सिग्नल ये सिग्नल भेजते हैं, भेज दिया और फिर यहाँ से टकरा कर वापस आता है। ठीक है, ये देखो, अगर फ्रिक्वेंसी हाई हो गई तो हम पता करते हैं कि गाड़ी हमारी तरफ आ रही है, ठीक है, और तेज, और इन दोनों के बीच में कितना, मान लीजिए आर डिस्टेंस है, पहले सिग्नल जाएगा, ठीक है, आर डिस्टेंस, फिर सिग्नल आएगा भी आर डिस्टेंस, मतलब टोटल आर प्लस आर 2R हो गया। अब फॉर्मूला देखिए, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस किसके बराबर होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, आर गया पहले सिग्नल, फिर आर सिग्नल वापस आया, मतलब टोटल कितना हो गया, 2R, 2R का डिस्टेंस हो गया। स्पीड कितनी है, लाइट की स्पीड से, मतलब c, टाइम का टाइम, तो r किसके बराबर आ गया, ct/2, मतलब डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं अगर
हमें यह पता हो कि कितने टाइम के लिए सिग्नल भेजा और वापस आया, ठीक है, यह इसे बोलते हैं हम रेंज। चलिए अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं। देखिए रडार दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। मेनली प्राइमरी में पल्स रडार होती है, कंटिन्यूस वेव रडार होती है। पल्स मतलब एक एक रुक रुक के पल्स भेजते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस में ये कंटिन्यूसली वेव्स भेजी जाती हैं टारगेट की ओर। और पल्स में फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड और पल्स मॉड्यूलेटेड, कंटिन्यूस में मॉड्यूलेटर और अनमॉड्यूलेटर। देखिए इसमें मेन है सबसे अपने पल्स रडार में MTI, मूविंग टारगेट इंडिकेटर, ठीक है, ये पल्स मॉड्यूलेटर है। और कंटिन्यूस वेव रडार में इम्पॉर्टेंट है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूस वेव, ये मॉड्यूलेटेड की टाइप्स आ जाती हैं और ये पल्स, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में, और ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप बने रहिए, अगर आपको समझ आ रहा है तो आगे भी समझ ही आएगा। अब एप्लीकेशन देखिए, देखिए अब एडवांस टेक्नोलॉजी होती जा रही है तो ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं, ठीक है। अगर कोई इनके आसपास कोई बच्चा आ रहा है तो ये बीप करने लग जाएगी कार अपने आप ही, सिग्नल देने लग जाएगी कोई बच्चा है, और स्पीड कम हो जाएगी गाड़ी की। मतलब इन फ्यूचर भी रडार का इतने ज़्यादा प्रिंसिपल है हम कह नहीं सकते। अब देखिए मिलिट्री एप्लीकेशंस में, मिसाइल्स में, ठीक है, और एनिमी हमारा दुश्मन की लोकेशन कहाँ है मैप पे वो पता कर सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है, टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक नियर एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स के आसपास कितनी ट्रैफिक है हम हवा में वो पता कर सकते हैं, ठीक है। टू गाइड एयरक्राफ्ट टू लैंड इन बैड वेदर यूजिंग प्रसिशन अप्रोच रडार, मतलब कोई भी वेदर मतलब हमारा सही नहीं है मौसम तो हम एक अच्छी जगह पे एयरक्राफ्ट को लैंड कर सकते हैं अगर हमें रडार हो हमारे पास। रिमोट सेंसिंग रडार वेदर फॉरकास्टिंग के लिए बहुत यूज़ होता है। ग्राउंड लेवल ट्रैफिक कंट्रोलर, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई क्या एप्लीकेशंस हैं। स्पेस में क्या है, स्पेस में टू गाइड स्पेस व्हीकल फॉर सेफ लैंडिंग, मून पे सेफ लैंडिंग करने के लिए, गाइड करने के लिए रडार का इस्तेमाल होता है। देखिए उसके बाद सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए, ठीक है, डिटेक्ट और ट्रैक करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ लग गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको अच्छा ही लगा होगा, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना और लाइक भी करके जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।